मर कर भी यहाँ तेरा पीछा छोड़ू ना 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 ना। मर कर भी यहाँ तेरा पीछा छोड़ू ना 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 ना। प्यार में दिल पे मार दे गोली ले ले मेरी जान। ना मुझको पता तेरी नाम में छुपी थी आपसे जाना चाहेंगे, कैसा लगा आपको कपिल का परफॉर्मेंस? ऑसम। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ ग्रेट सिंगर, बट इट्स आल्सो ग्रेट टू बी एंड वेरी टफ टू बी अ परफॉर्मर। एंड द एटीट्यूड यू हैड टुडे वाज फैंटास्टिक, वाज जस्ट ब्रिलियंट। दोनों गाने तुमने इतने अच्छे निभाए हैं, यू आर लाइक अ रॉकस्टार टुडे कपिल। आई एम सो प्राउड टू हैव यू टुडे हियर। लगा कि आपने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी एंड दोनों गाने आपने बहुत ही अच्छे से गाए। थैंक यू, वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। थैंक यू कपिल। आपके गाने में आप सुर से हटे भी हैं फाइनल्स में भी, लेकिन ये फाइनल राउंड है, आपने मेरा फेवरेट गाना गाया है, मैं आपको ग्रीन लाइट देना चाहती हूँ। बट द फैक्ट इज दैट तोरशा वॉज बेटर एंड आई होप सौरभी विल बी ऑल्सो। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि वी आर बीइंग अनफेयर टू हिम, और अनफेयर इसलिए है कि कॉन्स्टेंटली ये कहा जा रहा है कि एक लड़की ही होनी चाहिए इंडियन आइडल, और इस बार तो एक लड़की बने, तो एक लड़का बैठा है उसे कैसा लग रहा है? उसे कॉन्स्टेंटली डिमोरलाइज किया जा रहा है। तो ये मैंने आपको रेड लाइट ज़रूर दी है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत देर से पीपल आर अनफेयर टू यू। तो बावजूद इसके कि मुझे आपका पहला गाना वीक नहीं लगा, मैं इस रेड को ग्रीन कर रहा हूँ। थैंक यू। आई नो सब बोल रहे हैं बार बार बिकॉज आई स्टैंड फॉर अ गर्ल इंडियन आइडल, लेकिन मुझे लगता है जब मैं एक लड़की बोलती हूँ इंडियन आइडल बने एंड द गर्ल्स वर सिटिंग देयर, वो कहीं पे किसी भी लड़के से कम नहीं है या टैलेंट में भी कम नहीं है। हाँ, अगर मैं इस बात को कम टैलेंटेड लड़की के लिए बोलती तो ये बोलना मुनासिब था, लेकिन आई थिंक द गर्ल्स वी हैव हियर आर सुपर्बली टैलेंटेड एंड आई स्टिल स्टैंड फॉर इट। थैंक यू। जिसे देखकर और सुनकर दुनिया कहती है और भी, जिनकी परफॉर्मेंसेस 20,000 वोल्ट से कम की तो होती ही नहीं है, द रॉक स्टार सौरभी देव वर्मा।
देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। ग्रीन 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 डिस्को हो रहा है अभिषेक और अनुजी के उधर, और सोनम ने लाइट देने से मना कर दिया। देयर इज अ रीजन फॉर दिस। आई रियली थिंक यू आर माय फेवरेट। और मैंने इस पिक्चर में एक आउटफिट पहना था इंडियन आइडल के कॉन्टेस्ट में। दैट वाज द फर्स्ट कॉस्ट्यूम दैट आई ट्राइड ऑन इन द फिल्म आल्सो। तो आई वांट टू प्रेजेंट दिस टू यू। आई डोंट थिंक ग्रीन एंड रेड मैटर्स। दिस इज माय लकी आउटफिट फ्रॉम द फिल्म। सो कैन आई प्लीज गिव दिस टू यू? ऑफ कोर्स। हाउ स्वीट इज दैट? Thank you so much, ma'am. This is something very, you know, surprising and itna acha lag raha hai mujhe. You're too good. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Sonam. That's such a sweet gesture for me. Sonam, main tumhare liye aise dream kar deta. Well, Sonam ne to bata diya, Sorbhi, is gesture se hi ki unhe aapka performance kitna acha laga. And on top of that, I think yehi ek contestant hai jo दोनों स्टाइल उन्होंने इतने काबिलियत से गाया है। आई थिंक यू आर आउटस्टैंडिंग। यू शुड बी द नेक्स्ट इंडियन आइडल। थैंक यू सो मच मैम। और भी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने वो खूबसूरत गीत तेरे मेरे मिलन की ये गाया आपने। कितनी यादें मुझे आ गई। मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया आपसे। कहाँ गई वो फिल्में? कहाँ गया वो म्यूज़िक, वो लिरिक्स, वो डायरेक्टर्स, वो परफॉर्मर्स, जिसमें सच्चाई थी, गहराई थी, फन था, आर्ट था। अब कम दिखाई देता है ऐसा। तुमने जो गाया ऐसा दिल को जाके लगा वो गीत। क्या आप लोगों के दिल नहीं रहे? ऐसा तो नहीं है। आज भी ऐसे गीत बनेंगे तो लोगों के दिल को छुएंगे। ऐसा सोचना चाहिए हमारे फिल्म मेकर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने उस गीत को गाया। थैंक यू सो मच। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने दोनों ही रंग जो तकरीबन एक दूसरे के अपोजिट हैं वो बहुत अच्छी तरह दिखाया। बहुत दिलचस्प बात यह है कि एक गाना जो है अभिषेक के पेरेंट्स का है और एक अभिषेक की वाइफ का। मगर सच तो यह है कि ये दोनों गाने हम सबके हैं। थैंक यू अभिषेक। कहने के लिए कुछ बाकी है नहीं। फैंटास्टिक। यू सैंग टू सॉन्ग्स विच आर ऑफ माय टू फेवरेट वुमेन इन द वर्ल्ड। आई थिंक इंडिया विल डिसाइड हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट इंडियन आइडल। But trust me, little lady, you have a very good chance of being the next Indian Idol. Thank you, sir. Sorabhi, everybody has spoken about it. The range that you've shown, you've sang a melodious, lovely song. And this is what I mean by true talent. And so, true talent deserves to win. Tune aag laga di, yahan sabki tune aaj band baja di. You are 100% the next Indian Idol. For me, you have won today. Fantastic. Thank you so much. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.